बना तो फैंटेसी टीम का सीक्रेट टिप बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स क्रिकले के साथ इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है जिम्मेदारी से खेलें हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक आजकल आप एक खिलाड़ी की बहुत चर्चा सुन रहे होंगे और अब खिलाड़ी कहें या जोड़ी कहें क्योंकि आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह इनकी जोड़ी सुपरहिट कह सकते हैं एक मुकाबला जो जबरदस्त जितवाया इन्होंने पंजाब को गुजरात के अगेंस्ट अहमदाबाद में और दूसरा मुकाबला जिसमें बहुत करीब आए आखिरी ओवर में उनतीस रन चाहिए थे और पंजाब वो मैच सिर्फ और सिर्फ दो रन से हारा उस मैच में भी आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ने कमाल की परफॉर्मेंस की अच्छा शशांक की एक अलग सी स्टोरी जो लगातार ऑक्शन के बाद से वायरल हो रही थी कि क्या कहीं पंजाब को ऐसा तो नहीं लगा उन्होंने गलत शशांक पिक कर लिए वहीं आशुतोष शर्मा की भी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और वहां पर ये देखिए इन्हों जो परफॉर्मेंस रही बीते मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट भी पंद्रह गेंदे तैतीस रन नॉट आउट इन्होंने खेले और जबरदस्त पावर हिटिंग का इन्होंने जो डिस्प्ले दिखाया है इन दोनों पारियों में एज एन इम्पैक्ट प्लेयर जो इम्पैक्ट डाला था पहले जो अगेंस्ट इन्होंने गुजरात करके दिखाया और फिर यहां पर तो स्टार्टिंग इलेवन में ही थे और वैसी परफॉर्मेंस रही तो भला कौन इनको स्टार्टिंग इलेवन से बाहर छोड़ता लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इनकी स्टेट साइड में इनके कोच ने इनको बाहर रखा और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पसंद नहीं आए थे तो ये भी चीज सामने निकल कर आई है कोच उनके ऑब्वियसली आपको पता है मध्य प्रदेश के चंद्रकांत पंडित जिनकी बड़ी तारीफ भी होती है डोमेस्टिक में बहुत कामयाब कोच हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी जुड़े हुए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की भी टीम जो है बड़ी जबरदस्त कर रही है हार्ड टास्क मास्टर उनको माना जाता है और साथ ही साथ उनके साथ एक और चीज है स्ट्रांग लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग यानी कि अगर कोई खिलाड़ी उनको पसंद आ गया तो उसके लिए वो पूरा फुल सपोर्ट रहता है लेकिन कोई खिलाड़ी अगर उनके हिसाब से उनको पसंद नहीं आ रहा हो तो फिर वो उससे अपना मुंह बिल्कुल मोड़ लेते हजार तक तक प्रदेश के लिए खेलते हुए और अच्छा ताबड़तोड़ रन बनाए उस टाइम एज ग्रुप क्रिकेट खेल रहे थे प्रदेश के लिए वहां पर भी रन कर रहे थे लेकिन मौका उनको प्रदेश की टीम में सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि चंद्रकांत पंडित को उनके हिसाब से आशुतोष शर्मा समझ नहीं आए तो उनको जो है अगर स्क्वाड में रख भी लिया गया तो जो हम देखे उस टाइम क्या हुआ था कि 2020 के टाइम आपको याद होगा कि कोविड का वक्त था कोविड के दौरान क्रिकेट हो रही थी तो, तो खिलाड़ी जब ट्रैवल कर रहे होते थे तो ये उन खिलाड़ियों के साथ भी ट्रेवल नहीं कर रहे होते थे टीम तो होटल तक ही सीमित थे तो वहां पर भी खैर इन्होंने अपना काम फिटनेस स्किल्स इस सब पर काम करते रहे लेकिन जब मौके इनको नहीं मिल रहे थे तो उस दौरान इन्होंने माना कि ऐसे हालात हो गए थे कि जहां पर वो मेंटली बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे डिप्रेशन जैसा फेज इनको वहां पर देखना पड़ा था अच्छा चंद्रकांत पंडित की तमाम तारीफें होती हैं जो उन्होंने डोमेस्टिक में करके दिया या फिर जो एक वक्त पर आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा भी दिया था क्योंकि उनका यह था कि भाई मुझे अपने हिसाब से काम करना होगा और मुझे वो फ्रीडम चाहिए तो आई थिंक ऐसे मुद्दों पर उन पर भी सवाल होने चाहिए क्यों ऐसी क्या वजह थी कि उनको जो आशुतोष बिल्कुल पसंद है और साथ ही साथ ये भी ना भूलें इसी जो बीता सीजन रहा डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी वहां पर गौरव यादव जो थे जो मध्य प्रदेश से खेला करते थे और वहां से भी उनको जब मौके नहीं मिल रहे थे और जब शायद उनको आईपीएल के लिए टीम्स बुला रही थी तो चंद्रकांत पंडित जी उनको उस तरीके से अलाउ नहीं करते थे तो गौरव यादव ने भी स्विच करके पुडुचेरी से खेलना शुरू किया और वहां पर भी अभी भी वो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज ही दी हैं तो ये चीज रही है आईपीएल के ट्रायल्स को लेकर बाकी भी खिलाड़ी रहे हैं, जिनकी एक शिकायत रही कि शायद उनको वहां से बाद में नहीं किया गया वो मध्य प्रदेश टीम के साथ जुड़े हुए थे तो तो उनको पर पर कहीं पर जाने नहीं दिया गया के लिए। तो आशुतोष के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग एक फेज था लेकिन उस दौरान यही हुआ उनके लिए एक अच्छी चीज ये रही कि जो है सीके नायडू ट्रॉफी में, में थी तो वहां से जो है दरवाजे खुले में नौकरी के साथ साथ वहां से खेलने का मौका मिल गया और तब फाइनली जो है आशुतोष की गाड़ी जो है पटरी पर वापस आई और बीता जो सीजन गया था वहां पर इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ग्यारह बॉल पर अर्धशतक मारा था तब इनके नाम की बड़ी चर्चा हुई और शायद जो आईपीएल सीजन तक इन्होंने जब तक वो पारियां नहीं खेली थी तब तक सिर्फ वही बात थी कि यार एक स्ट्रॉन्ग हिटर हैं अच्छे छक्के लगाते हैं और वहां पर जो है ग्यारह बॉलों पर जो है इन्होंने जिस तरीके की हाफ सेंचुरी लगाई थी रेलवे से खेलते हुए पर आईपीएल में जब इनको मौका मिला एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वहां पर गुजरात के अगेंस्ट जो इन्होंने पारी खेली उसके बाद जो हैदराबाद के अगेंस्ट दिखाया तो इन्होंने बताया कि स्किल सेट भी है टेम्परमेंट भी है और ऐसी पावर हिटिंग हम ज़्यादातर जो देखते हैं हम काफ़ी बारी करीबियन खिलाड़ियों के साथ एसोसिएट करते हैं लेकिन आशुतोष ने भी बताया कि वो किसी से कम नहीं है इनिशियल डेज के स्ट्रगल अलग थे परिवार से जो अलग रहकर उन्होंने जिस तरीके से अपनी जर्नी देखी वो सब चीज़ों से लेकिन इन सब के बीच हैरान करने वाली चीज़ ये रही कि जहां पर आशुतोष एक तरफ पंजाब के थिंक टैंक मैनेजमेंट संजय बांगर जो उनके साथ जुड़े हुए इन सबको क्रेडिट दे रहे हैं और इन सबको कह रहे हैं कि भाई इनका भरोसा है जो मैं आज यहां तक पहुंचा वहीं दूसरी तरफ स्टेट के लिए जब ये खेल रहे थे, अच्छा रहे थे थे लगातार अच्छा परफॉर्म कर परफॉर्मेंसेस के बावजूद पर जो है चंद्रकांत पंडित जिनके तौर तरीके अलग हैं उन्होंने इनको उस काबिल नहीं समझा कि ये स्टेट टीम में वहां पर आ सके और वहां पर परफॉर्म कर सके तो आईपीएल परफॉर्मेंस करते हुए शायद बता रहे हैं कि भाई जो उस टाइम पर उनके कोच की असेसमेंट थी शायद वो गलत ही थी और इतने ही बुरे प्लेयर आशुतोष नहीं है और यहां पर आईपीएल में उन्होंने जलवा दिखाया अच्छा इंटरेस्टिंग अब ये रहेगा कि जब पंजाब और के की टीमें आमने सामने होंगी तो तब एक तरफ आशुतोष बतौर खिलाड़ी होंगे और सामने के के कैंप में इनके वही कोच जिन्होंने इनको उस काबिल या उस लायक नहीं समझा कि ये उस टाइम टीम में सिलेक्शन के लिए रहें और वहां से खेलें तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग रहेगा तो उस मुकाबले का भी इंतजार रहेगा और आप भी बताइए आशुतोष के खेल से आप कितने प्रभावित हैं और उनकी जो जर्नी रही है उसको किस तरीके से आप देखते हैं वक्त इनके पास हुए पच्चीस साल के लगातार ऐसी परफॉर्मेंसेज दें तो आगे और दरवाजे खुल सकते हैं और इसी तरीके से बाकी भी जो इंडियन प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं बहुत जबरदस्त है कि आईपीएल में जो इंडियन लोकल प्लेयर्स हैं उनका तड़का लग रहा है जैसे हमने देखा नीतीश कुमार रेड्डी उन पर भी एक वीडियो क्या है वो भी अगर आपने नहीं देखा हो तो देखें जरूर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें शेयर भी करें अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत शुक्रिया